करो आप उधर, आपको कूड़ादान नहीं दिख रहा वहां फेंक देते? इसे भी ले जा। पर मैं कुछ कह रही हूँ, उधर कूड़ादान है ना, उधर फेंक। क्या कह रही है? कूड़ेदान में फेंक देते आप यहाँ। अब मैं इतनी दूर उठ के कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगी क्या? यहाँ तो चुगली देता, मैंने फेंक दिया, वरना मैं फेंकती नहीं, मैं वहीं चली जाती ना। इतने दूर जाना है मेरे को, वैसे कूड़ेदान फेंक के आऊंगी क्या मैं? क्या हुआ? क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? इनके साथ हो क्या? मैं तो बेटा आपके साथ भी नहीं हूँ। तो फिर क्या गलत कह रही है वो बच्ची आपसे? क्या गलत कह रही है? क्या धमकाने की, क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब क्या है? आप बोल कैसे रहे हैं उसे? सर बेटा जी मैं तो जाना तो यहाँ का सर खड़ी है क्या मेरे यहाँ पे नाचेगी? चल। पर मैं यही कह रही हूँ, गंदगी आपको तमीज नहीं है बात करने की? कितना छोटी सी बच्ची से बात कर रहे हो आप? तो इनसे कम इज्जत से बात करो, इससे आप करके बात करो। आप जाइए ऐसे करके बात करो इससे। मैं और बच्ची ने गलत क्या बोला आपसे? क्या गलत बोला इसने? इतनी सी बात बोली ना आपसे कि यहाँ बोतल मत फेंको दीदी, थोड़ा सा आगे फेंक दो। अरे सर मेरे को इतने दूर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। घर से यहाँ तक भी तो आए हुए हो ना? भाई मैं वॉक करके आके बैठी हूँ, तो इस वजह मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ फेंक दिया। अभी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा तो यहीं बैठ के कर दोगे आप? अरे अंकल क्या है, दिक्कत क्या है आपकी? बहुत देर हो गई। बोलो उस बच्ची से। मैं इससे बात कर रहे हो आप? मैं इससे सॉरी बोलूंगी? नहीं बोलोगे? निकलना यहाँ से। एक मिनट पहले बैठिए आप। नहीं आप सॉरी की बात कैसे कर रहे हैं बच्ची को? आप मैं तंग कर रही हूं? पढ़े लिखे हो ना? यहाँ गंदगी फैला रहे हो, मेरे को रोज साफ करना पड़ता है। तो तेरा काम ही क्या है? परेशानी यही तो काम है, साफ सफाई करेगी। आपका काम क्या है? ये कूड़ा फेंकना। आप बताइए। हाँ बिल्कुल तमीज नहीं आपकी? नहीं है पर दीदी ये तो गलत बात है ना। तमीज सिखानी आती है मुझे? बच्चों की तरह बड़ी इज्जत से बोलो, सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से आप। मैं सॉरी इससे? हाँ इससे, इस लड़की से, इसी बच्ची से, इससे सॉरी बोलूंगी बेटा। अरे इससे सॉरी बोलूंगी मैं। आपको तमीज है क्या? जा यहाँ से, निकल निकल चल। इससे सॉरी बोलूंगी मैं? काम धंधा नहीं आपको? इससे सॉरी बोलूंगी क्या मैं आपको? माँ बाप के पैसे पर पढ़ रहे हो क्या? माँ बाप दे रहे खाने को? अरे आप बोल होते कौन है, बोलो इनका सपोर्ट क्यों ले रहे हो सर? कौन लोगों का सपोर्ट? बदतमीजी कर रहे हो बच्चे के साथ? एक मिनट सर, उसकी रोजी रोटी है ये। एक मिनट। हाँ जी एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। इनका काम ना पता क्या, इनका काम यही है ठीक है, रात को नशा करते हैं जा जाके, और अभी यहाँ पे ना ये ड्रामा कर रहे हैं, कूड़ा बूढ़ा ये सब, जाके ना आराम से नशा करके सो जाती होगी। अभी यहाँ पे अपनी संपत्ति आपको, आपको अच्छा माहौल मिला, माँ बाप का अच्छा माहौल दिया होगा, उस बच्चे की जिंदगी जी सकते हो आप एक दिन भी? अरे मैंने देखा इन लोगों को ऐसे करते हैं भाई, मतलब यही सब देखते रहते हो आप? क्या नहीं करती मैं तो अपना हक का कमाती हूँ ना, कूड़ा मेहनत कर रही हूँ बच्ची, थोड़ी शर्म करो आप, उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो तुम्हारी बहन की जैसे। अरे अंकल हाँ। आपका क्या पता, ये लोग अभी यहाँ पे कूड़े उठाएंगे ठीक अच्छा। है और एक दो वहाँ पे अपनी वो दिखा देंगे कि भाई हम इतने अच्छे हैं, अभी जाएंगे अपना नशा करेंगे और जाके कहीं भी सो जाते हैं। नहीं, नहीं, तो आपका कोई फर्ज नहीं, आपने अच्छा माहौल देने की कोशिश करी कभी किसी बच्चे को? अरे जा बेटा 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 ऐसा यहाँ से इधर आओ बेटा, पहले इधर आओ आप, मुझे ये बताओ। अरे मैं बैठा हूँ बेटा आपके लिए, जैसी आप बच्चे ने ये भी बच्चा बदतमीजी नहीं करना इसके बच्चे के साथ। बेटा मेरी बात सुनो, ये आप क्यों कर रहे हो? मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। ड्रामे इसके सारे और कुछ भी नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब है। आप हेल्प तो नहीं करेगी ये? अरे ड्रामे कर रही, नशा करने के लिए करती है। आप हेल्प कर दो, नहीं करेगी? नहीं दीदी। हाँ आगे बोल ना, आगे बोल। छोटे भाई बहन और छोटे भाई हैं। ऐसा बेटा मेरी बात सुनो, आप पहले ये बताओ बेटा, एक मिनट चुप रहेंगे आपको मैडम, उसकी परेशानी सुन लो बच्चे की, बोलो बेटा आपको तकलीफ क्या है? और मैं यहाँ जो पास में झुक गया ना, मैं वहाँ रहती हूँ अच्छा। तो वहाँ से इतनी दूर से मेरे को यहाँ आना पड़ता है। सब ड्रामे हैं तुम लोगों के ये पता है। आप चुप रहेंगे प्लीज? एक काम करो आप यहाँ से जुड़की हो लो, वरना अभी करूंगा 100 नंबर पे कॉल। अब बंद करो। ये बात 100 नंबर तक भी आ गई है क्या? हाँ मैंने कोशिश छोटी सी बच्ची के साथ आप हरेसमेंट कर रहे हो? हरेसमेंट मैं कर रही हूँ? बिल्कुल कर रहे हो आप। आप यहाँ से चले जाओ बेटा, आप टेंशन ना लो बेटा, मैं आपके साथ चलता हूँ, हमारी एक एनजीओ है ठीक है बेटे, आपकी पढ़ाई का छोटे बहन भाइयों का खर्चा वो देखेंगे, मैं जो हेल्प कर दूंगा बेटा आप चिंता मत। इनके घर में खुद की सफाई होती भी है? पूछो जरा, नहाते भी है कितना दिन तक नहाते? घर में जो होती है ना ये गरीबी करते हैं आप लोगों के घर में। सर, जो आपने मेरे पास टाइम नहीं है, है? निकल यहाँ चल, बैठने दे मुझे। सर मैं टाइम नहीं है तो जाओ ना आप यहाँ से, इसकी हिमायत ले रहे तक घर इसको लेके जाओ, इसको अपने घर घर में रखो, उसकी फैमिली को। आप यहाँ से चले जाओ, मैं कंप्लेंट करके आपको बंद कराऊंगा और आपके परिवार को साथ में घसीटूंगा मैं। ये शिक्षा दी आपके माँ बाप ने? आप इतना इसका सपोर्ट क्यों ले रहे हो? आप इसे क्या लग रहे हो पहले ये बताइए। मैं इसका जैसे इसका भाई हूँ ना, बाप भाई कुछ भी समझ सकते हो आप, मेरे देश की बेटी है ये, जैसे आप हो ना वैसे ये भी है। अगर आपने ठेका ठाया इन लोगों का? हाँ जी आपने ठेका ठाया इन लोगों का? इन लोगों का ठेका नहीं, मैंने ठाया है। नहीं ना तो मरने दो ना, जीने दो ना, जो कर सकते किसी बच्चे की, हम किसी की मदद तो कर सकते हो आप, पढ़े लिखे हो ना? पढ़े अभी तक यहीं खड़ी है। अरे निकलना यहाँ से, छोड़ो इस बच्ची को आप।
आप यहाँ से निकलिए, निकल यहाँ से तू। अरे बदतमीजी क्या कर रहे हो उस बच्ची के साथ आप? इधर आओ बेटा, तमीज है ये क्या आपकी? पहले तो अपने पापा का नंबर दो मुझे आप। हाँ आपको तो दूंगी, अपने पापा का नंबर, घर का नंबर है ना? तो आप अपने पापा का नंबर दोगे, मैं 100 नंबर पे फोन करूंगा। 100 नंबर फोन आप करके दिखाइए, फिर मैं बताती हूँ ना। बेटा मेरी बात सुनो आप, मैं 100 नंबर पे डायल करूंगा कि इस बच्चे, बेटा आपको कर रही है लड़की परेशान कर रही है ना, मेरी बात सुनो आप यहाँ से चले जाओ बेटा, या तो आप अपने पापा का नंबर दो, यहाँ 100 नंबर पे कॉल कर रहा हूँ मैं। लो वन। अच्छा आप 100 नंबर पे कॉल, क्या बोलेंगे उनसे? बोलूंगा इस बच्ची से परेशान कर रहे हो आप। अच्छा परेशान कर रहे हैं, यहाँ गंदगी कर रहे हो आप। अच्छा इस बच्चे ने क्या बोला था आपसे? इतना सा बोलता कि दीदी यहाँ मत रहो, थोड़ा सा आगे चले जाओ। आपके घर में भी जब खाना खाते तो जो प्लेट होती है उठा के रखती हो ना बेटा? अब तू इधर आ जा, अब तू इधर आ जा, क्यों आ जाओ बच्ची? अब पड़ेगा एक, इधर आ जा। ऐसे कैसे मार देंगे आप? मार के दिखाइए अब इसको, मैं तो लिहाज कर रहा हूँ आपका। अरे अंकल, हाँ, क्या पहले अंकल? देखे जीभ दिखा रही है, रो रही है वो बच्ची। आप जाते क्यों नहीं? ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज मुझे आप लग रही है। अंकल वो देखिए सामने के पेड़ के पीछे मैंने कैमरा लगा रखा है, वो मेरे साथ है, इधर इधर सामने। अंकल ये मेरे को फिर मारेंगी। ये क्या वीडियो बना रही हो आप? अरे अंकल हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों मिलकर, वो देखो जरा आ गई ना इधर, एक मार इसके। यार साथ मिले हुए आप लोग? हाँ ये मेरे साथ है। तो अभी तो आप डांट रहे थे तो बिखार रहे ना वो, एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि अगर ऐसे जैसे हमने, आपने जैसे इसका सपोर्ट लिया, आप वैसे कोई इस जगह कोई और भी होता आप ऐसे सपोर्ट लेते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, आप भी कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है बिल्कुल। तो ये जो हम एक मैसेज दे रहे हैं ना लोगों को, हम इसलिए दे रहे हैं, आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, ठीक है, जो लोग कूड़ा फैला देते हैं, हर चीज करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बस शान से और कहते हैं कि हमने कर दिया तो क्या हो गया। तो इस चीज के ऊपर हम मैसेज कर रहे थे कि लोग साफ सफाई रखो यार, घर जैसा है ऐसी धरती तुम्हारी है। मुझे लगा शायद बाकी कुछ बोला तो बेटा सॉरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा आप लोग, और हमने आपसे उल्टा इस तरीके से बोला तो उसके लिए हम वेरी सॉरी। तो मैसेज डाल दे रहे हैं, डाल रहे हैं, लाइक करो, उनको सपोर्ट भी करो।